काश तू भी कभी दिखाई दे। मेमोरी अच्छी है तुम्हारी, मुझे देखते ही पहचान लिया। वैसे आप ही ने तो हमें बताया ही नहीं था कि वो आपको पहले से जानती हैं। शायद वो मुलाकात बताने लायक थी ही नहीं। ओह, तो क्या छुपाने वाली थी? चुप करो तुम सरिश, आप गाड़ी रोक दें, हमें यहीं ड्रॉप होना है। रास्ते में छोड़ जाने वालों में से नहीं, जिम्मेदारी ली है तो निभाऊंगा उसे ईमान के साथ। रास्ते में छोड़ जाने वालों में से नहीं, जिम्मेदारी ली है तो निभाऊंगा उसे ईमान के साथ। ईमान बेटा, दूध पी लो। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। क्या गुंजाइश नहीं है बेटा? दावत के नाम पे तुमने क्या खाया? सरिश ने मुझे सब कुछ बता दिया। बेटा सारा दिन काम करती हो तुम, अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो, वरना तो कमजोर हो जाओगी ना। अच्छा आप रख दें, मैं पी लूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम तीनों को आलम भाई के बेटे आहद ने घर छोड़ा है? माशाल्लाह, बड़ा काबिल और होनहार है लड़का, और अब तो मैं कहूंगी जिम्मेदार भी। देखो ना किस तरह से तुम तीनों को हिफाजत से घर पे छोड़ के गया है। बीच रास्ते में तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो। तुमने उसका शुक्रिया अदा किया था? देखो बेटा, अब वो इस घर का और तुम्हारी जिंदगी का साथी बनने वाला है। तुम्हें कभी भी उसे किसी शिकायत का मौका नहीं देना, ठीक है? अच्छा चलो दूध पी लेना।
तुम्हारा अब उस पर कोई हक नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया था, अब उसे उसकी जिंदगी जीने दो, उसकी खुशियों में उसके सामने आने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि ना तो तुम कल उसके काबिल थे और ना आज उसके काबिल हो। इसे क्या हुआ है? ये मुझे मॉर्निंग मैसेज क्यों भेज रहा है? मॉर्निंग विश करके मेरी मॉर्निंग खराब मत करो। सरेश कहाँ रह गई? जल्दी आओ। और तुमने जो मेरी रात खराब की, क्या मतलब? रात को तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मेरी मर्जी। इलाज करवाओ। तुम कर दो मेरे दिल का इलाज। तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास ही है। I love you. कौन सा जंतर मंतर पढ़ रही हो? यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, चलना नहीं है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? मेरे कानों को यकीन नहीं आया, दोबारा बोलना, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द पेट का ही है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मुझे जगाने से पहले तक तो बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी, अचानक ये पेट का दर्द कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और सर्दी भी लग रही है। हैं? कहीं तुम्हें किसी वायरस ने अटैक तो नहीं कर लिया? तुम्हें फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। तुम्हारी फिक्र कौन कर रहा है? तो अपनी फिक्र हो रही है? तुम मेरे साथ सोती हो, हर वक्त मेरे साथ रहती हो, कहीं मैं ना बीमार हो जाऊं? देखो, मेरी यूनिवर्सिटी से वापसी तक तुम ठीक हो जाना प्लीज।
अनीस भाई। जी मैडम। ये फूल यहाँ किसने रखे हैं? पता नहीं जी, पर कोई तो है जिसको आपका बहुत ख्याल है। अनीस भाई, आपको कैसे नहीं पता? आपको पता होना चाहिए ऐसे कैसे कोई ऑफिस में फूल रखे जा सकता है। ठीक है जी, अंदाज़ ख्याल रखूंगा, पर बुके पर भेजने वाले का नाम लिखा हुआ होगा। किसी का नाम नहीं है, प्लीज ख्याल रखें। मुझे किसी अननोन सोर्स से अपने कैबिन में फूल या गिफ्ट्स नहीं चाहिए। ठीक है जी, आइंदा आपको शिकायत नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच जिशान भाई। तुम्हें पता है जिशान भाई जैन के लिए भी इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए। तुम अपना गिफ्ट नहीं देखोगी? हाँ दिखाओ ना जिशान भाई तुम्हारे लिए क्या लाए। बल्कि मैं खुद ही देख रही थी, तुम बहुत स्लो। लैपटॉप शिफा भाई, इतने महंगे गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? सरिश के पास तो ऑलरेडी था, मैं वो यूज कर लेती। क्या मतलब जरूरत नहीं थी? तुम्हारे पास तो वैसे भी नहीं था। अच्छा ना, दो हो जाएंगे, तुम अपना यूज करना, मैं अपना यूज करूंगी। अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो बता देना, मैं ला दूंगा। नहीं कुछ नहीं चाहिए। आप ईमान आपने के लिए क्या लेकर आए? जिसने जिंदगी भर बांटा भला मैं उसे क्या दे सकता। अपना अपना गिफ्ट रखने ना अपने पास। ईमान, तो नहीं लगा तुम्हारे ऑफिस के बाहर आ गया? नहीं, लेकिन हैरत जरूर हुई। सॉरी इसके लिए। बात करनी जरूरी थी जो घर पे नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो कहो। मान यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, कहीं बैठकर सुकून से बात कर सकते हैं? प्लीज। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? न यूनिवर्सिटी आ रही है
ना मुझसे बात कर रही है, मोबाइल भी ऐसे बंद करके रख दिया है जैसे मैं मोबाइल से निकल कर सामने खड़ा हो जाऊंगा। भाई आप क्या बात है, आपको परेशान लग रहे हो? हाँ भाई, वो एक दोस्त है, फोन ही नहीं रिसीव करा। नाराज है क्या? नाराज? बहुत नाराज। तो मना लो उससे। क्या बताऊं भाई, बहुत जिद्दी है। तो फिर एक काम करो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। अगर उसे तुम्हारी जरा भी कदर हुई ना तो मैं खुद कॉल बैक कर लेगा, चाहे किसी भी बहाने से क्यों ना हो। भाई आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आई है? कैसी? यही कि आप कभी किसी के लिए बहुत सीरियस हुए हों। आतिफ, अलबत्ता तो मैं सीरियस होता नहीं, और अगर हो भी जाऊं तो वहां पर होता हूं जहां पर मोहब्बत या दोस्ती में कुछ रिटर्न हो। एक तरफा मोहब्बत पर मैं यकीन नहीं रखता। हाँ अलबत्ता जहाँ बिजनेस की बात है तो वहां पर सीरियस होना शर्त है। एक बात बताऊं भाई आपको, समझ में कुछ भी नहीं आया लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चेंज कर गया भाई, अब मैं आपकी तरह बहुत अकलमंद हूँ, दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। अब अच्छा, ये अकेले अकेले चले गए चेंज करने, मैं भी चेंज कर लेता। कुछ कह क्यों नहीं रही? बात तो तुम्हें करनी थी। कैसी हो इमान? तुम्हारे सामने जो मेरे सामने हैं वो उस इमान से बहुत मुख्तलिफ जिसे मैं छोड़ कर गया। मरे हुए लोगों को इस दुनिया में नहीं ढूंढते। मेरे अंदर कौन रहता है, मेरे अपने किससे मिलते हैं, ये कोई नहीं जानता। मैं अब वो ईमान नहीं, बस उससे मिलती जुलती सूरत। मत कहो ऐसा ईमान, तुम्हें देखकर तो मुझे फिर से जिंदगी मिली। तुमसे बात करता हूं तो ऐसा लगता है दिल से सारा बोझ उतर गया। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन सुकून से कभी मैं भी नहीं रहा ईमान। एक बात पूछूं, तुमने शादी क्यों नहीं की अभी? मैं जानता हूं मुझे पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन उस दिन जब तुम शादी के लिए हाँ कह रही थी तब मुझे महसूस हुआ कि तुम खुश नहीं हो अंदर से। ईमान, तुमने गलत महसूस किया, मैं खुश हूं, बहुत खुश। तुमने किस्मत से एक डील की थी, तुमने उससे जो मांगा उसने तुम्हें दे दिया। और बदले में किस्मत ने जो चाहा उसने तुमसे ले लिया। किस्मत अपनी बाजी खेल चुकी है जिशान। हाँ ये अलग बात है कि सवाल उठता है कि कौन जीता और कौन हारा।
ये तुम्हारे लिए ईमान, चाहे तो रख लेना या फेंक देना। तुमने खुद ही क्यों नहीं फेंक दिया? जिसकी चीज थी उस तक पहुंचानी थी। कभी कभी जिसकी चीज होती है वो उसे पाकर भी खो देते हैं। खेलते हैं आंखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, तुम अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर। वालेकुम अस्सलाम चंदा, आज बड़ी देर हो गई दफ्तर में। वो कुछ काम था ऑफिस में। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। नहीं, मैंने पी ली। पी ली है? हाँ, वो ऑफिस में पी ली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे लिए ईमान, चाहे तो रख लेना या फेंक देना। तुमने खुद ही क्यों नहीं फेंक दिया? जिसकी चीज थी उस तक पहुंचानी थी। ईमान, ये जिशान तुम्हारे साथ साथ क्यों आया है? हाँ, तुम्हारे ऑफिस आया था तुमसे मिलने। अम्मी, क्या हम जिशान के अलावा किसी और बारे में बात कर सकते हैं? मेरे काम के बारे में, इस घर के बारे में, या फिर इस घर के और अफराद के बारे में, या नहीं? आपकी सोच का मरकज सिर्फ एक शख्स बन गया है जिसका नाम तक आप सुनना नहीं चाहते। खुदा के लिए अपने जहन पर उसकी मौजूदगी को इतना सवार मत करें, क्योंकि आप तस्लीम करें ना करें, लेकिन वो इस घर का एक फर्द है। और इस तरह कता ताल्लुक करके हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अम्मी, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इस छत के नीचे रहे? मेरी बला से चला जा कहीं, इतना बड़ा शहर है, कहीं और जाके अपना ठिकाना बना लेना। हमें अजियत देने के लिए यहां क्यों ठहरा हुआ है? वो तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाता है ना, तो मेरा दिल खोलता है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता और तुम कहती हो कि मैं इस पे बात ना करूं। काश काश तुम मेरे इस दर्द को समझ सकती बेटा। नहीं होता मुझसे वो बर्दाश्त,
ठुकराया था उसने तुम्हें, तलाक दी थी तुम्हें उसे। कैसे निकाल दूं मैं उसे अपने दिल से, जहां इतने प्यार से कभी किसी को बिठाया था। उस दिल को कैसे पत्थर कर लूं, क्या इतना काफी नहीं है कि उसे निकाल कर फेंक दिया है। दिल के सारे दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। अब ना उसकी दस्तक से कोई फर्क पड़ता है, ना उसकी आहट से। मम्मी प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैं आपका सर कभी शर्म से झुकने नहीं दूंगी। चलो तुम पे तो मैं यकीन कर लू, लेकिन उस खुदगर्ज पे तो मैं कभी यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुदगर्ज है। शिफा, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। आज यूनिवर्सिटी में तुम्हारी गैर हाजिरी का नोटिस कुछ ज्यादा ही ले लिया था किसी ने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई तुम्हें लेकर भी इतना सीरियस हो सकता है। प्लीज मुझे ये बकवास बातें ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और बाहर में जाए वो आतिफ और ये न्यूज। एक्सक्यूज मी, आतिफ का नाम किसने लिया है? वो तो आज यूनिवर्सिटी आया नहीं था। मैं तो अफान की बात कर रही हूँ, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि क्यों नहीं आई वगैरह वगैरह। अब तुमने मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं ना उसे? पेट का दर्द है, दिल का मर्ज नहीं जो छुपा रही है। अच्छा मैं कमरे में जा रही हूँ, जब तुम आओ तो मेरे लिए कॉफी बना के। क्या बात है बाबा, मैं देख रहा हूँ मुसलसल आप किसी सोच में गुम हैं। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा बेटा? कभी कभी जो दिखता है ना वो सच नहीं होता, और जो सच होता है उसे हम समझने से कासिर होते हैं। यूं समझो कि उलझी भी कुत्ती सुलझी और फिर उलझ गई। अब समझ में नहीं आ रहा दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। बाबा अगर आप मेरी माने तो दिमाग से सोचें, दिल से नहीं। हाँ ये तुम्हारा दिमाग ही है जो तुम बिजनेस को इतना आगे ले आए, मगर बेटा कभी कभी दिल भी हावी हो जाता है ना, खासतौर पर रिश्तों के लिए। शायद तुमने कभी ऐसा सोचा नहीं, इसलिए दिल की जगह दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूँ। बाबा आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मेरा और मेरे बेटों का रिश्ता बाप बेटे से ज्यादा दोस्ती का है। तुम्हारा बाप तो तुम्हारी माँ के साथ ही चला गया था, लेकिन मैं तुम खतों का दोस्त हूँ। हाँ दोस्त की जरूरत पे सिर्फ और सिर्फ भाई को बताएंगे, मुझे नहीं। तुम्हें भी जरूर बताऊंगा जरूरत पड़ने पर। ओके मर्जी है आपकी, वैसे आप मेरे हम उम्र होते ना तो ये बात अभी जबरदस्ती पूछ लेता। अब आपके साथ दो दो रिश्ते हैं, क्या कर सकता हूँ, माफ किया मैंने आपको। देखो सर। अच्छा चले वो डाइनिंग पे खाना लगा हुआ है, खाना खाते हैं। चलो भाई चलो खाना खा।
पापी, वाह भाई, आपकी तो लॉटरी निकल आई है। एक तरफ जिशान भाई जो अपना इतना बैंक बैलेंस बनाने के बाद लौटे, और दूसरी तरफ आलम अंकल का बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं वो। मैं तो कहती हूँ आप एक दफा ना दोबारा सोच लें, बल्कि ठीक से हिसाब किताब कर लें। जो ज्यादा मालदार हो ना उसी से शादी कीजिएगा, कसम से फायदे में रहेंगे। बहनों वाला मशवरा दे रही। अम्मी ने तुम्हारी बातें सुन ली ना तो तुम नुकसान में हो जाओगी। मैं नहीं डरती अम्मी से, और वैसे भी उन्हें तो बहाना चाहिए घर में लड़ाई झगड़े करने का। सरिश, क्या है? उन्हें कुछ बोलूं तो आपको बुरा लग जाता है, आपको कुछ बोलूं तो वो बिगड़ जाती है। इससे मैं तो कुछ हुई नहीं इस घर में। अच्छा बाबा, अभी जाओ, मुझे सोना है प्लीज। आपको सोने की नहीं, ख्वाब देखने की चलती। अच्छा, जिसको ख्वाब में आने की इजाजत है वो जिशान भैया या सरिश? तुम जा रही हो या नहीं? अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। ऑफिस में? अरे क्यों बेटे, तुम्हारा पापा उसे ऑफिस में मिलने के लिए नहीं आ सकते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आए प्लीज बैठे। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। बैठो बेटा। मैंने बेवक्त आके तुम्हें परेशान तो नहीं कर दिया? कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? तुम भी सोच रही होगी कि कैसे वहमी इंसान है, बार बार चले आते हैं, लेकिन मैं क्या करूं रिश्ते और नातों के मामले में बहुत डर सा क्या। आपने बेटी कहा है ना, तो जो चाहे पूछ लें, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करें। मैं आपकी फीलिंग्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी। खुश रहो, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम सिर्फ फर्शनास ही नहीं बल्कि समझदार भी हो। समझ में नहीं आता बात कैसे शुरू करूं। तुम्हें याद है तुमने कहा था बेटा कि तुम्हारी माँ के सब ख्वाब पूरे हों, और तुम्हारा भी वही ख्वाब है। ऐसी बहुत कम औलादें होती हैं जो अपने माँ बाप के ख्वाबों को अपने ख्वाब बनाकर पूरी जिंदगी उन्हें पूरा करने में लगा देती है। मगर मैं उन वालदेन में से नहीं हूं बेटा। मुझे अपनी औलाद की खुशी सबसे पहली तरजीह है। क्या तुम्हारी खुशी जीशान में तो नहीं है बेटा? तुम्हारी जाती जिंदगी पे बात कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी खुशी के लिए खुद से एक वादा किया है। तुम्हें जीशान के साथ देखा तो जब ये बात सोची तो मैं चला आया यहां। अगर तुम्हारी खुशी जीशान में तो भी मैं शमीम भाभी से बात करूंगा, उन्हें राजी भी करूंगा। इतना तो यकीन है ना तुम्हें बेटा? मेरी आंखों में ये आंसू बीते हुए वक्त का मलाल नहीं है। कि मैं तो ये सोच रही हूं कि पापा भी गुजर जाने के बाद किस किस रूप में मेरे सामने आए। पहले ताया अबू के रूप में और अब आप। वक्त जिंदगी की हर कहानी को पूरा नहीं करता, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ।
इसलिए आजी को बहुत पहले अलविदा कहकर काफी साल पहले आगे बढ़ चुकी हूं मैं। इतने साल शादी ना करने की वजह शीशान नहीं था, मेरी अपनी जिम्मेदारियां थी। मेरा हर ख्वाब, हर ख्वाहिश वही है जो मेरी अम्मी का है। आपसे कुछ भी छुपाकर आपकी और अपने मरहूम वालिद की दोस्ती को कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगी। मेरा भरोसा करें। मैं भी कितना बुरा बाबा हूं तुम्हारा, अपनी बेटी से उसकी हर ख्वाहिश की तफसील लेने आ जाता हूं, पर मैं क्या करूं बेटा, जो कुछ समन के साथ हुआ है उसके बाद डर सा गया हूं। मैं नहीं चाहता कि रिश्तों में किसी भी किस्म का शक या शुबा रहे। मैंने आपसे कहा है ना, आपको कोई सफाई देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। काश तू भी कभी दिखाई दे।